कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास बोन्स है, ब्लड है, एडिपोज है. बोन्स को आपको पता है कि बोन टू बोन जो कंजक्शन है या बोन टू मसल जो कनेक्शन है वो बोन्स की वजह से होता है. ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, डिफरेंट मटेरियल्स को. एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यूज होते हैं, जो फैट होती है उसमें एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं. नेक्स्ट वन है मसल टिश्यूज. मसल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ. स्केलेटल मसल, स्केलेटल हमारे मसल जो होते हैं, स्केलेटल टिश्यू जो स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रिएटेड होती हैं, मतलब कि पट्टियां जो होती हैं इनके अंदर होती हैं, बैंड्स होते हैं, ए एंड आई बैंड्स होते हैं. और ये इनके सेल्स जो होते हैं उनके अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर. और जो कार्डिक, ये स्केलेटल मसल पाए जाते हैं. कार्डिक जो टिश्यूज हैं, नाम से जाहिर है कार्डिक, यानी हार्ट मसल्स में पाए जाते हैं. ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जस्ट वन न्यूक्लियस पाया जाता है. और अगर हम बात करें स्मूथ टिश्यूज की, स्मूथ जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, ये स्ट्रिएटेड नहीं होते और इनके सेल्स के अंदर वन न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है नर्वस टिश्यूज. नर्वस टिश्यूज हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनके जो सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व्स बनाते हैं, या नर्व इम्पल्स मैसेज होता है जो ये कंडक्ट करते हैं. यानी नर्वस टिश्यूज जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बना रहे होते हैं. जितनी भी इम्पल्सिस हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिस हैं, वो सारे के सारे नर्वस टिश्यूज के अंदर ही, ये नर्वस टिश्यूज ही उन्हें कंडक्ट करते हैं. ये थे हमारे पास एनिमल टिश्यूज. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.